दो कप्तान। जिग, थोड़ा तेज हाथ चलाओ। ओके लियो। अब काफी बेहतर है यारा, ऐसे ही करना। 1 2 1 2, वेल डन। अब इसे थोड़ा और राइट पर लो। सुनो, ये मत भूलो कि शिप की असली कैप्टन मैं हूँ। इसका मतलब है कि मैं अकेली ही कमांड दे सकती हूँ, समझे तुम लोग? लेकिन मैं ऐसे कमांड नहीं देती, जैसे कि ऐसा करो वैसा करो। तो शायद हम लोग बारी बारी से कैप्टन बन सकते हैं लिली। वो तो तुम भूल ही जाओ, कैप्टन तो मैं ही रहूंगी। लेकिन मुझे भी कैप्टन बनना है, मेरी आवाज में कमांड है और मैं शिप के बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें शिप के बारे में पता है? मुझे नहीं लगता। तुम्हें कोई चीज शेयर करनी ही नहीं है और दोस्त ऐसे बात नहीं करते। तुम लोग झगड़ा मत करो। लियो, लिली सच में शिप की कैप्टन है, उसे कमांड करने दो। पर मुझे लगता है कि लियो सचमुच एक अच्छा कैप्टन बनेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही ठीक है फिर। ठीक है लियो, तुम कैप्टन बन सकते हो हमेशा के लिए। मैं जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तुम ही कैप्टन बन जाओ क्योंकि तुम लालची हो। नहीं, मैं नहीं बनूंगी। तो मैं भी नहीं बनूंगा। तो फिर मैं बन जाता हूँ कैप्टन। नहीं माचे, तुम अभी बहुत छोटे हो। ओके सुनो, मैं कुछ बोलता हूँ। शिप को लैंड करते हैं और शिप कैप्टन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए लैंड करते हैं। ओके ऑल सेट। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। हम चल के खाना ढूंढते हैं और फूल भी। सेलो मॉडिक, स्टीयरिंग चेक करो। वो कंट्रोल में है कैप्टन। मॉडिक, विंग्स की कंडीशन चेक करो। उड़ने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे, कम ऑन लाइन से हट जाओ। लाइन से हट जाओ कैप्टन और चलो। कैप्टन मॉडिक, आसमान को छू लो। ओप्स, मैं ऐसा तो नहीं करना चाह रहा था, मैं तो बस खेल रहा था। ठीक, लियो। मॉडिक, ओह नो, फूफा। मैं संभाल सकता हूँ। पीछा करो। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हमने उन्हें खो दिया। शायद हम किसी से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कोई शिप देखी है। हाँ, चलो किसी से पूछते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। वाह, ये देखो, ये कितने सुंदर फूल है। पहले तो एक बड़ा सा लकड़ी का पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ गया और अब मेरे पंख खींच गए। हाय 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 हाय, अब मेरी पूंछ को देखो कैसे खींच गई। हाय, क्या दिन था। एक मिनट, आप कौन है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम शेन मोर है। मैं मोर हूँ। तुमने कहा कि तुमने लकड़ी के पक्षी को देखा, वो हमारा दोस्त मॉडिक है। बड़े अजीब दोस्त है आपके सर। खैर छोड़ो, वो किस दिशा में उड़ रहा था, वो कहाँ गया? ठीक है ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। मुझे सिर्फ पैर चलाने हैं। मेरे पीछे आओ। Thank you.
ये कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया लिली कि मैं कैप्टन क्यों नहीं बन सकता हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एक लीडर को कभी भी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डालनी चाहिए, मतलब कैप्टनशिप की भी। मैं जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। तो फिर जाओ और कैप्टन बन जाओ, मुझे पता है तुम कितने जिम्मेदार हो, मुझे बहस नहीं करनी। एक मिनट, अब ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं करने वाली। ओ, ये फिर से शुरू हो गए। क्या आप लोग एक कहानी सुनना चाहोगे? हम कुछ भी सुनेंगे, लेकिन इन दोनों की बहस नहीं। खैर, बहुत बहुत पहले की बात है, तो मोर थे, उनके पंख सबसे खूबसूरत थे मेरे जैसे, पर मेरे अच्छे हैं। और एक दिन उन दोनों को एक रसीले जामुन का पेड़ दिखा, बहुत ही रसीले। इतने रसीले कि मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन वो बहस करने लगे कि पहले जामुन कौन खाएगा। पहले मोर ने कहा कि उसके पंख सुंदर है इसलिए वो खाएगा, तो दूसरे ने कहा कि उसके पंख उससे भी ज्यादा सुंदर है इसलिए सारे जामुन पहले वो खाएगा। और इसी तरह सारा दिन वो बहस करते रहे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा पक्षी आके वो सारे जामुन तोड़ के खा गया, एक भी जामुन उसने नहीं छोड़ा। बस इतना ही, कुछ ज्यादा तो नहीं लगा। ये मैकॉक ब्रिज है और वहाँ उस पेड़ पर आपका दोस्त होगा शायद। जाइए, मैं चलता हूँ। मार्टिक मुझे खाने की कोशिश ना करे। कौन जानता है कि लकड़ी का पक्षी मोर को खा सकता है कि नहीं। ओ, नहीं। Well, ये ब्रिज तो बहुत मजबूत नहीं लग रहा। Come on, you guys, एक एक करके जाओ, पहले कौन जाएगा? Actually, कैप्टन को पहले जाना चाहिए, तो पहले तुम जाओ लिली। तुम जाओ, तुम्हें कैप्टन बनना था, है ना? जल्दी करो, हमारे ब्रेव कैप्टन्स। ठीक है, अभी के लिए वहीं पर रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। पता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोर की कहानी किस बारे में थी। कि छोटी बातों पे लड़ने से ही बड़ी मुसीबतें आती है। ये पेड़ जल्दी गिरने वाला है। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। थे मैं? हाँ, तुमने हमें बताया कि असली कैप्टन कौन है, जो ज्यादा कमांड नहीं देता और पूरी टीम की बहुत चिंता करता है। नहीं, मुझे नहीं बनना कैप्टन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स ओके, जब हम शिप के ऊपर होंगे तो लिली कैप्टन होगी और लियो तुम नीचे उतरने पे होगे, हमेशा की तरह।
और मैं बनूंगा द कैप्टन कमांडर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या है? तभी होगा जब तुम दोनों लड़ाई करना शुरू करोगे कि इस शिप का असली कैप्टन कौन है। ये बढ़िया है। मुझे भी मंजूर है। और क्या पता है, मैं पानी का कैप्टन बन सकता हूँ अगर कभी हम समुद्र में गिर गए तो। ऑफर के लिए थैंक यू, पर अभी हम ठीक हैं। बंदरों का खजाना। आगे खंडर आ रहा है एकदम सीधे। अरे आखिरकार हम मेरे घर पहुंच ही गए। ये तुम्हारा घर है? ये बहुत ही पुरानी जगह लगती है। नहीं जेक, ये बहुत ही डरावनी जगह है और हम बंदरों को वहाँ जाने की पाबंदी है। मेरा घर उसके पीछे है। हे दोस्तों, मुझे गांव दिख रहा है। ले मेरे प्यारे बेटे। ले मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन मैं वापस आ गई। ले तुम अपने साथ किसे लाई हो? पापा, ये सब मेरे नए दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई। जो मेरी बेटी का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। इतने लंबे सफर के बाद तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम कुछ खाते हैं, उसके बाद तुम मुझे अपने एडवेंचर के बारे में बताना। उस खास खजाने का क्या हुआ जिसके लिए हम सीक्रेट आइलैंड पर आए थे? वो वहीं पर है, वो एकदम सुरक्षित है। पर मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा खजाना हो। तूने सुना स्पाइक, खजाना एकदम सुरक्षित है, सही में भाई? फिलहाल के लिए तो है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ था और मैं उस पर चढ़ता ही गया क्योंकि वो गिद्ध लिली को वहाँ ले गया था। और फिर पूरा का पूरा खजाना अब हमारा हो गया है। पूरा अपना होगा। जैस्मिन से छुटकारा मिलने की अपने को तो बहुत खुशी है। हेलो जी, काफी समय से दिखाई नहीं दिए। मेरे पुराने दोस्त जैस्मिन, हम दोनों भी बात ही कर रहे थे कि हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। अपन सच में अपन ने तुमको बहुत मिस किया। चुप हो जाओ, आज जल्दी से खजाना फ्लाइंग शिप पे लेकर जाओ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं टास्मन? तुम नीचे जा रहे हो। टास्मन, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी खजाने में थोड़ा सा हिस्सा चाहिए मेरे दोस्त। तुम लोगों को मिलता है थोड़ा सा खजाना, वो भी मुझे पीछे छोड़ने के लिए। ये क्या कर रहे हो? रुको, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? न्याय हो रहा है यहाँ पर। हारने वाले के पास कुछ नहीं होगा और मैं उड़ूंगा खजाने के साथ इस खूबसूरत और अद्भुत फ्लाइंग शिप में। अभी वापस आओ, वो तुम्हारा खजाना नहीं है। क्या? लेकिन क्या क्या ये सब कचरा क्या है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये शिप तो अपने आप में ही एक खजाना है। उसके अलावा कुछ भी। अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लेना। अब मुझे जाकर बंदरों का खजाना वापस लाना ही होगा। लेकिन पापा, वो तो भूतिया पैलेस में जा रहे हैं।
आखिर ऐसा क्या डरावना है उसमें? मेरा मतलब उसके नाम और लुक के अलावा। जैसा लेजेंड के पास होता है, इस पैलेस का नाम पहले पैलेस ऑफ जॉय था, और वहाँ बंदर रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ किंग कोबरा आया और हम सबको निकाल दिया। मुझे उम्मीद है ये लेजेंड से कम नहीं था। ऑफ कोर्स ये लेजेंड है, और क्या हो सकता है? पापा, मैं आपके साथ आऊंगी। हाँ? जेगर, मैं भी साथ आएंगे। और माँ भी, माँ भी। आप लोग यहाँ पर नजर रखो। जब हम टैगा वापस जाएंगे तो हम सबको बताएंगे कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। मुझे इस खंडर का लुक बिल्कुल पसंद नहीं है लियो। थोड़ा बहादुर बनो टेक, ये एडवेंचर हम पापा को बता सकते हैं। आहा, ये तो तब होगा जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये तो सिर्फ एक वाइन है टेग। पीछे मत रह जाना, यहाँ आसानी से गुम हो सकते हो। खजाने का बॉक्स कहाँ पे गिरा? लिली कहाँ है? लिली, बेटे। मुझे खजाना मिल गया, वो यहाँ है। मिशन कंप्लीट। ये इजी था, और वो कह रहे थे कि ये जगह बहुत डरावनी है। मैं तो कहता हूँ हमें इस जगह को एक नया नाम देना चाहिए, द पैलेस ऑफ बोज। अब तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। जल्दी करो बच्चों, भागो। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाते तो हेलो दोस्तों, आ जाओ, मास्क के पकड़ो। मिल्की, अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और उसमें बंदरों का खजाना भी आ गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। चलो अभी, यह तो कुछ भी नहीं था। बस एक बात बताना मत भूलना कि हम लोग कितने अच्छे हैं जब घर पहुँचना था, ठीक है? ओके ओके, हम सबको बताएंगे। तुम लोग भी हीरो हो, बिल्कुल हमारी तरह। ओह, पर दोस्तों, हम लोग घर कैसे जाएंगे? टास्मैन शिप लेकर चला गया। जैसे लोग चाइना में कहते हैं, अपने आप को भविष्य के साथ मत जोड़ो, मदद कभी भी मिल सकती है। उस दिन बहुत भयंकर तूफान था जिस दिन लिली गायब हुई थी। मैंने अपनी शिप और बच्ची दोनों को खो दिया था। हमने पूरा जंगल देख लिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तब मुझे लगा कि आंधी लिली को अपने साथ समंदर के उस पार ले गई, और उसी दिन मैंने अपने कारीगरों को नई शिप बनाने का आदेश दिया जिसे चलाकर मैं अपनी लिली को ढूंढ सकूं। वाह! इसका
अभी भी घर जा सकते हैं। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पर हमें अभी बहुत काम करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। खजाने का क्या होगा पापा? हमें इसे सीक्रेट आइलैंड पे ले जाना होगा। वैसे मैं और फेलन इसे रख सकते हैं, इससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना मिल्की? हाँ, अभी अपन दोनों ठीक हैं। हाँ ठीक है, तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ और तुम्हें रास्ता बताऊंगी। लियो, मुझे अजीब लग रहा है कि आखिरकार खजाने में लकड़ियाँ क्यों रखी है और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे नहीं पता टेक, हम बाद में किंग को पूछ सकते हैं, पर अभी बहुत काम बाकी है। हवाई शिप ऐसे ही तैयार नहीं होगी। इस धुएं को तो देखो, ये इतना घना है कि हम इसे छू सकते हैं। हाँ, क्या होगा अगर यहाँ एक बड़ा सा पत्थर हमारे सामने आ जाए तो? लियो, नदी का रखवाला। हे फेरेन, देख कर उड़ना, किसी चीज से टकरा मत जाना। जासमन, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। धुआं कम हो या ज्यादा, हमें इसके साथ डील करनी होगी। हम ब्रेक नहीं ले सकते हैं। ए तुम, जाओ यहाँ से। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सोच समझ के बोलो, हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, आसमान तुम्हारा नहीं है। और तुम्हें लगता है तुम्हारा है? जाओ और कहीं और जाके उड़ो, समझे? लेकिन हमें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना दोस्तों? तुम बहुत जिद्दी हो, तुम कहीं और नहीं उड़ना चाहते ना? तो उसका भी इलाज है। तो अगर तुम ऐसा ही करोगे तो ये लो। ये ठीक नहीं है। ये लो। कोशिश अच्छी थी लेकिन मिस कर दिया। काश तुम्हारे पास दिमाग होता। क्या? देखा, फिर से मिस कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, देखते हैं तुम कैसे बचते हो। कौन बचा? किस्मत अच्छी है हमारी, अच्छा हुआ हम पानी में गिर गए। हाँ, पर ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ। मेरी गलती कहाँ है? तुम कहीं और भी तो जाके उड़ सकते थे। तुम भी तो जा सकते थे, लेकिन तुमने चीजें फेंकना शुरू कर दी। तुम लोग हमारा पीछा कर भी क्यों रहे थे? जानते हो क्या, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ। ऐसी बात है तो फिर हाथ लगा कर दिखाओ। बस करो, तुम दोनों को लड़ना छोड़कर ये सोचना चाहिए कि नदी के रखवाले से तुम दोनों कैसे बचोगे। क्या? किससे? कौन है वहाँ? देखो तो ये क्या है। तुम नदी के रखवाले हो? प्लीज हमें जाने दो। तुम बुरा मत मानना, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम पहले ही परेशान कर चुके हो। देखिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। अगर तुम मेरी पहेली सुलझाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पहेली? मैं पहेली सुलझाने में मास्टर हूँ। ज्यादा शो ऑफ मत करो। तो ये रहा सवाल, नदी में रहने वालों में से सबसे बड़े दांत किसके हैं? ये तो बहुत आसान है। पाइक मछली। गलत जवाब। दूसरा सवाल, कौन कोमल प्यारे टेस्टी स्वादिष्ट जानवरों को पकड़ता है? हाँ, मुझे पता है, वो है उल्लू। मैंने सही कहा ना, क्योंकि फिलिन कोमल जानवरों को पकड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, उसकी बात मत सुनो नदी के रखवाले, हमारा जवाब है भेड़िया। फिर से गलत जवाब। अब है तीसरा सवाल, किसने आज खाना नहीं खाया?
ओ ये तो बहुत ही आसान है, वो तो मैं हूँ। नहीं, वो मैं हूँ मगरमच्छ जिसने अभी तक खाना नहीं खाया। आप लोगों ने तीनों पहेलियाँ नहीं सुलझाई तो इसका मतलब है मेरे खाने का वक्त हो गया है। I think हम सेफ है, कम से कम अभी के लिए शायद। Spike! किधर है? Hello, Dick! तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेहतर होगा तुम चुप रहो वरना। ये वरना क्या? वरना ये मिलेगा मिल्की। तुम लोग लड़ना बंद करो, इसी वजह से स्पाइकी और टेक गिर गए हैं। अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं। है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। फिलिन जाओ उड़ो। इसके लिए थैंक यू मिला। जब तुम किसी से लड़ते हो आसानी से भूल जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें शिप को थोड़ा नीचे ले जाना होगा ताकि हम अच्छी तरह देख पाए। क्या बेवकूफ मगरमच्छ था, क्या तुमने पहेली सुलझा दी जो तुम नहीं कर सकते हो ना? स्पाइक तुम चुप रहो। टिग मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हे मिस्टर क्रोकोडाइल। जी मेरे प्यारे दोस्त। क्या हम एक गेम खेल सकते हैं? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको जरा, रुको। तुम्हें पहेलियाँ पसंद है ना? मुझे एक पहेली याद आ रही है। ऐसा करते हैं, अगर तुमने मेरे पहेली का सही जवाब दे दिया तो हम नीचे आ जाएंगे और तुम हमें खा लेना, पर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें हमें जाने देना होगा। मुझे जवाब देना पसंद है। ठीक है, सुनाओ अपनी पहेलियाँ। वो क्या है जो ऑरेंज है, बॉडी पे स्ट्राइप्स है और वो एक पेड़ पे पाया जाता है? मधुमक्खी। तुमने गलत जवाब दिया। चलते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें तीन मौके दिए थे, अभी मेरे पास दो मौके और बाकी हैं। केसरी पट्टे वाला और पेड़ पर मिलता है। अरे हाँ, ये तो स्टाइपी ऑरेंज होगा। नहीं। अरे यानी कि संतरा। नहीं। वेल तुमसे मिलके अच्छा नहीं लगा। बाय मिस्टर क्रोकोडाइल। स्पाइक। ठीक है ना भाई? ए दोस्तों मदद करो, मिल्की डांसमैन। ये पका। अब कौन होगा हमारे पास? हाँ मैं जानता हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन मैं भी उन्हें देखकर खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो हो गया, निकलते हैं। हे रुक जाओ, अब मेरा क्या होगा? मगरमच्छ सही जवाब है टाइगर, खास तौर पर जब उसका नाम हो टिग। तुम्हें मैं देख लूंगा। अगर दोबारा मिलने का मौका मिला तो। क्या? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो तुम हो सकते हो दोस्त। सही है, तुम ऑरेंज और स्टाइपी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मुझे पहले पकड़ना होगा। तुम इस ऑरेंज स्ट्राइपी को नहीं पकड़ सकते। जेक गस के पकड़ लो और जल्दी आओ। तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो मगरमच्छ कह रहा था कि मेरे पहेलियों के सही जवाब देने पड़ेंगे। हिलाओ मत वरना गिर जाओगे।
मैं फिर से गिर गया। ओ हेलो मेरे टेस्टी सूखे दो। अरे वाह क्या बात है, मुझे अभी भी एक और पहेली याद आई है मेरे दोस्त। ठीक है तो पूछो। वो क्या है जो साइज में छोटा है और भीगा हुआ है और मगरमच्छ की सवारी करता है? वो तुम हो। अरे यार अपने को जाके बचाना पड़ेगा उसे। अरे उस मगरमच्छ को देखो कितना भूखा लग रहा है, हमारी बेल भी टूट गई। मैं इससे और नीचे नहीं जाऊंगा। कोई तो बचाओ। ओ, मेरे पास वो भी किसके साथ है? मेरी मदद करो। रुको। जैसा कि मापा हमेशा कहते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा पहले होता है। वो क्या है टेक, क्या तुम्हें कुछ मिला? ये देखो बस इतना ही बचा है। नम, 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 नम। हे, लिली, क्या हुआ? ये सबको तो पूरा नहीं होगा। कुबा बड़ी थोड़ा धीरे रखो। ओके, हमें जंगल में जाना होगा और सप्लाइज को स्टॉक अप करना होगा। सांप का बच्चा। रूट्स और नट्स देखना पर ज्यादा दूर मत जाना, पास ही रहना ताकि कोई खो न जाए, ठीक है? हे, वहाँ देखो, मुझे लगता है वहाँ कोई फ्रूट्स है। यहाँ फूल है। मिलो, चलो हमारे साथ आओ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ओह कितना सुंदर है। वाओ, एक और है और ये भी। लियो, टेक, याना, हेलो। अब मैं क्या करूँ, मैं तो खो गई हूँ। मैंने टेक की बात आखिर क्यों नहीं सुनी? ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा था ना कि वो कुछ देर के लिए एक ब्रेक लेना चाहता है। मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ कि उड़ो और अभी तुरंत उड़ो। ओके, जो भी है हम तुम्हारे बिना भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपन लोग उड़ेंगे कैसे? शांत रहो, तुमने सुना एक धुन है। अच्छी है, अच्छी है। वो तो सांप को अपनी बांसुरी की धुन पर नचा रहा है। नहीं, बांसुरी है, इससे सांप को वश में करते हैं और बहुत जल्द वो बांसुरी हमारी होगी। क्या वो तुम ही थे जो वो मधुर धुन बजा रहे थे? हाँ, मैं ही बांसुरी बजा रहा था। मैं मुंगो, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी जंगल में देखा नहीं है। मेरा नाम मिला है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई हूँ, लेकिन हमारा खाना खत्म हो गया इसलिए हम उसे ढूंढने आए और मैं खो गई और मुझे बहुत 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 भूख लगी है। ए, डरो मत, तुम तब तक ये खा के ट्राई करो। बहुत टेस्टी है। ये काजू है, यहाँ पर बहुत होता है। तो फिर जाओ उनके पास और अपने साथ ये काजू भी ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए और भी लेके आ जाऊंगा। थैंक यू मुंगू। लियो, टेक, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो मिल्की, वो जादुई बांसुरी मुझे लाके दो।
रुको रुको, वो मुझे दे दो, ये मैं लूंगा। ये आप उनको दे। नहीं, मैं लूंगा इसे। अरे मेरे को। बहुत हुआ, मुझे दो। अरे मुझे पता है कि सिर्फ असली मदारी ही बांसुरी को बजा सकता है, और वो मैं हूँ। मेरे पास एक प्लान है। हम ये जादुई बांसुरी जाकर टिग और लियो की शिप पर बजाएंगे ताकि वहाँ सांप आ जाए, और ये देखकर सबके सब शिप पर से भाग जाएंगे और वो शिप हमारी हो जाएगी। वाह टेस्टी, पर अफसोस हमारे पास ज्यादा नहीं है। पर मेरे नए दोस्त ने कहा था कि वो हमारे लिए और ले आएगा। मिला, बता तो तुम्हारा नया दोस्त कौन है? उप्स, मैं उससे पूछना भूल गई, वो किस तरह का जानवर है? टाइम आ गया है कि मदारी जादू से सांप को बुलाए। देखो और सीखो मेरे दोस्तों। ए, इधर ला, आप उनको मालूम है कैसे बजाने का? ऐसे मुझे दे दो, अब देखो कि एक असली मदारी कैसे बीन बजाता है। हाँ, हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने मास्टर को दो, वो बजाता है। स्पाइक, ये बांसुरी ने काम कर दिया ला। देख सांप नाचने भूल गया इधर। ये देख ना। क्या बताइए? कोई चिल्ला रहा है। आवाज तो शिप के पास आ रही है। चलो देखते हैं। तुम सब यही रहो, मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। ओ, लेकिन ये क्या है? ये तो किसी बांसुरी की तरह दिखता है, पर ये यहाँ कैसे आया? सांप, सांप! 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 वो बड़ा है और डरावना है। शिप पे एक सांप है। ओह, अरे नहीं! हमें इसे अपने शिप से हटाना होगा। दूर हो जाओ सांप, दूर हो जाओ, ये हमारा शिप है। मुझे लगता है वो हमसे कह रही है कि यहाँ से चले जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब क्या करें? वो तो स्टिक से भी नहीं डर रही। मुझे नहीं पता, शायद हमें बड़ा स्टिक ढूंढना चाहिए। हे दोस्तों, मुझे कुछ याद आया। दक्षिण भारत में कोबरा रहते थे जो सांपों की रानी थी, लेकिन उसको सिर्फ सांपों पर राज नहीं करना था। रानी कोबरा को पूरा जंगल चाहिए था। उसने अपने सांपों को आदेश दिया कि वो हर एक के घर में जाए, और अगर कोई भी पक्षी या जानवर झुकने के लिए मना करे तो उन्हें जंगल से बाहर फेंक दिया जाए। सभी पक्षी और जानवर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए कि कौन सांप के खिलाफ बोलेगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर एक ही जानवर था जो बहादुर था, और वो था मंगूस। बहादुर मंगूस क्वीन कोबरा के पास गया और उसे युद्ध के लिए चैलेंज किया। वो तुरंत मान गई कि अगर मंगूस जीत जाता है तो सांप जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। 3 दिन और 3 रातों के लिए मंगूस और कोबरा लड़ते रहे। कोबरा ने मंगूस को हराने की बहुत कोशिश की, पर वो इतना चालाक और तेज था कि वो उसे एक बार भी नहीं डस पाई। आखिरकार कोबरा ने थक कर हार मान ली और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई, पक्षी अपने घोंसलों में वापस जा सके और बाकी जानवर अपने अपने घर में। और तब से मंगूस को जंगल का सबसे बहादुर जानवर माना जाता है। ओह वाओ, वेल अगर वो मंगूस हमारे साथ होता तो वो उस सांप को हार मानने पर मजबूर कर देता। हाँ, पर इसे ढूंढेंगे कैसे? जंगल तो कितना बड़ा है। मिला, मुझे लगा तुम नहीं मिलोगी मुझे। ये रहे काजू, प्रॉमिस किया था ना मैंने। हुर्रे, ये मूंगो है, यही मेरा नया दोस्त है। मूंगो, तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि हमें मंगूस कहाँ मिलेगा। तुम्हें ऐसा क्या करना है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं मंगूस हूँ? क्या तुम एक मंगूस हो? हाँ जरूर, मैं मंगूस हूँ, और क्या बताऊँ मैं। और मैं भी हूँ मंगूस। तुम्हें पता भी है मंगूस क्या होता है? उसने एक सांप को हराया था। और तुम तुम तो मिला से भी बड़े नहीं हो। मुझे लगता है अब सांप को हटाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सांप? तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कौन सा सांप है?
अरे ये मेरा दोस्त नाग है। पर ये नागी क्या होता है? नाग एक कोबरा है, दोस्त है मेरा। जब भी मैं बीन बजाता हूँ वो आ जाता है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुमने उसे स्टिक से डराया इसीलिए उसे गुस्सा आया। अब वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। पर वो कैसे शांत होगी? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे सांप बुलाने वाला बीन चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सामने रही। हाँ, ये मेरी बीन है, यहाँ पर कैसे आ गई ये? ठीक है, अपनी छड़ी उठा के मेरे पीछे रिपीट करो। तो हमने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था, हाँ? हम तुम्हें खाना देंगे और बदले में तुम हमें आगे ले जाओगे। अरे बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, जरा मुझे हाथ दो मिलके, जल्दी करो, खींचो से खींचो। वेल, तुम सच में एक हीरो हो, तुम दुनिया के सबसे कूल मदारी हो। वो बहुत डरावनी है लेकिन तुम उससे नहीं घबराए। इतना डरने की जरूरत नहीं, देख लो इसे, ये खुद ही बहुत डरा हुआ है। एक खेल गैंडे के लिए। देखो कैसे सो रहा है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम क्या चाहते हो जासमन? तुमने बेचारे उल्लू को पूरी रात उड़ाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, कोई यहाँ संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो वरना। लेकिन कमाल करते हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये छोटा सा पक्षी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? दूर हो जा, छू। जैस्मिन, अपुन को लगता है ये चिड़िया तुझसे दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती करना चाहता है? मुझे किसी के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है, समझे तुम? दोस्ती बराबर कमजोरी। माँ जी, क्या तुम रस्सी चेक कर सकते हो? बिल्कुल कैप्टन। हे क्यूबा बड़ी, तुम्हें अब जागना होगा, हमारे जाने का टाइम हो गया। तुमने देखा उन्हें कितना मजा आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी जैसा कुछ चल रहा है। वो कितना मजा कर रहे हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। जी, हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हाँ, पर हर समय तो हम यही करते रहते हैं लियो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम कैसे खेलते थे, मजे करते थे। और मुझे भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है फिर, चलो चल के मजा करते हैं। ओ हेलो गाइस, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं, जितने होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, क्या तुम देखोगे? मुझे लगता है कुछ चल रहा है वहाँ। वो मजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके।
तो चलो चलो चल के उनके साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। प्लीज तुम्हें खेलना है? ठीक है हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हम छुपने वाले पर नजर रख सकते हैं। मेरा प्लान सुनो, हमें उस बंदर को किडनैप करना है और शिप भी चोरी करनी है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप लोगों को बंदर से क्या काम? वो बंदर ही है जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है, समझे तुम? अच्छा अब मुझे समझ आया। अपन को भी। तो फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओके, पर तुम्हारा नाम क्या है? निटांडा। अच्छा ओके निटांडा, आओ खेलते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं, हम इसके साथ नहीं खेल सकते। हे, तुम कहाँ जा रहे हो, गेम का क्या होगा? अजीब है, कोई बात नहीं कैच कैच खेलोगे। कमॉन। नहीं नहीं नहीं, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे। ओ ये, तो मैं डैन देता हूँ, जाओ छुपो मैं ढूंढूंगा। एक दो तीन। क्या कर रहे हो तुम? मैं छुप रहा हूँ। लेकिन तुम पेड़ से बहुत बड़े हो, अगर तुम वहाँ छुपोगे तो लियो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। निटांडा तुम क्या कर रहे हो, लियो तुम्हें काफी दूर से भी देख लेगा। नाइन टेन, तैयार हो कि नहीं, मैं आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटे हो। I'm really sorry. तो हम कोई दूसरी गेम क्यों नहीं खेलते? गुड आइडिया यारा, मापा रोज कहते हैं ना कि जहाँ दोस्त हो वहाँ गेम मिल ही जाता है। दोस्तों क्या हमारे जाने का टाइम नहीं हो गया है? सही कहा, चलना चाहिए। मैंने फिर से वही किया, मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। चांजा प्लीज मत रो, पहले जिराफ चले गए अब तुम लोग भी जाना चाहते हो। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बहुत मोटा हूँ। चांजा ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मोटे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो। सब कुछ पहले जैसा होता, पहले जैसा, अगर रैना सर छोटे होते। पहले के जैसे मतलब? क्या हुआ, क्या तुम लेजेंड के बारे में नहीं जानते? हमने लेजेंड के बारे में तब सुना था जब हमारे पापा ने उनके बारे में बताया था। बहुत बहुत पहले की बात है, सोना घर हुआ करता था सबसे पहले छोटे राइनासोरस का, और वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। जैसे ही वो सवाना के भगवान के पास गया और उसने वरदान मांगा, वो बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा होना चाहता था, और वो बड़ा हो भी गया। और जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके दुश्मन उससे डरने लग गए, और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। लेकिन इसी वजह से उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसे डर लगता था कि वो किसी को कुचल ना दे, या गलती से भी किसी की पूंछ पर अपना पैर ना रख दे, और इसीलिए राइनो उदास हो गया और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। पर एक दिन राइनो एक छोटे से पक्षी से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला था। उसका नाम था ऑक्स पैकर। उस पक्षी को उससे डर नहीं लगा, इसलिए वो उसे देखकर उड़ा नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ। छोटे पक्षी को एहसास हुआ कि बड़ा राइनो बड़ा ही सेंसिटिव है और साथ ही बहुत ही दयालु भी है।
और उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और इसी तरह वो छोटा पक्षी और राइनो दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे। और तब से लेकर आज तक वो ऑक्स पैकर और राइनो साथ में खेलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो ऑसम है। जान जा, चुप हो जा। छोटा पक्षी भी मेरा दोस्त नहीं रहा। जान जा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत रहो, दूर हो जा। वो छोटा पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, वो हमारा बंदी है, उसे हमारे हवाले कर दो प्लीज। उसे पकड़ के तो दिखाओ मेरे दोस्त। ये तो बहुत बड़ा है टैस्मैन, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो तो दोनों को मार देगा। हाँ, वो बहुत बड़ी है। लिली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, थांडा और छोटे पक्षी ने मुझे बचा लिया। तुमने अकेले उन बदमाशों को भगा दिया, थैंक यू सो मच। क्या कहा तुमने? कहा कि तुम मेरे साथ फिर से खेलना चाहती हो, सच में? लगता है हमारे दोस्त टैंडा को गेम खेलने के लिए दोस्त मिल गया है। गुड बाय निटोंडा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे पक्षी को आखिरकार उसका राइनो मिल गया और निटोंडा को आखिरकार एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया। पृथ्वी का बिखरना। स्पाइक, क्या आप लोग पीछे मुड़ सकते हैं क्या? स्पाइक, इधर तो आप लोगों को बस चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे हैं ना भाई। नो मत मिलकी, स्पॉट्स और स्ट्राइप्स उड़ गए और वो भी इस तरफ, मतलब खजाना हमारे नजदीक है। पर अपन लोग खाना तो पहले ही खत्म हो चुका है भाई, ये बस आखिरी फल बचे लाए अपन के पास। ये आखिरी है, लाओ मुझे दो। अरे वाह जमीन, मैंने तुम्हें बोला था ना, कम ऑन मेरे दोस्त, आगे बहुत कुछ है खाने के लिए। ओ चूहा, हैप्पी हंटिंग। पौधे, खूबसूरत जमीन। चलो उठो, स्पॉट और स्ट्राइप्स को यहीं कहीं नजदीक होना चाहिए। कौन हो तुम? तुम सीधा आसमान से गिरे, किस चीज से भाग रहे हो? हम भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे हैं। नहीं, हम नहीं भाग रहे। तुमने अभी कहा स्पॉट्स और स्ट्राइप्स यहीं कहीं नजदीक होंगे, कौन है वो? तुम उनसे घबराए हुए क्यों हो? रुको, घबराए हम? हाँ जरूर हम घबराए हुए हैं। स्पॉट और स्ट्राइप्स वो बहुत खराब है, तुमसे भी ज्यादा खराब। मेरा मतलब है तुम बेहतर हो। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया, सभी को, और अब वो मेरा शिकार करना चाहते हैं और मेरे भाई का भी। सही कहा ना भाई? ओ मेरे भाई, हम बेचारे लोग, हम बेचारे हैं दोनों।
मिलके हम कमजोर हैं, गरीब छोटे दुखी जी। आप लोगों को छोड़ दो। तुम्हें साथ ले जाने में खुशी होगी, हम तुम्हें कुछ खाना देंगे, आओ हमारे साथ। तो आगे बढ़ो और हमें और बताओ उन राक्षसों के बारे में, स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस। अच्छा, वो लोग मेरा मतलब है कि वो लोग। हाँ, वाह, बड़े अंडे, स्वादिष्ट अंडे है भाई। क्या वो स्वादिष्ट है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो अंडे प्लैटिपस के अंडे हैं। उन अंडों में हमारे भविष्य के बच्चे हैं। ओह नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया प्लैटिपसनेस। इसका मतलब था कि स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस को स्वादिष्ट अंडे बहुत पसंद हैं, वो भी दोपहर के भोजन में और रात के खाने में भी और नाश्ते में भी। क्या? पर उनकी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, सावधान रहना स्पॉट और स्ट्राइप से। बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले हमला करो। वो राक्षस पछताएंगे अगर उन्होंने हमारे गांव की ओर एक कदम भी रखा। सही कहा ना मेरे प्लैटिपस दोस्तों? हाँ, हम किसी को भी अपने बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो हमें जाना होगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। चलो छोटे भाई, चलो चलो जल्दी चलो। हे दोस्तों, हमें मिशन पे जाना होगा पूर्व परीक्षण के लिए। बढ़िया आइडिया मैटिक। और हम आज रात के रहने की जगह बनाएंगे। ठीक, चलो चले। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ परीक्षण के लिए। मैटिक, परीक्षण के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम जाकर लड़कियों की मदद क्यों नहीं करते? ला 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 ला, हम चमत्कारी दुनिया खोजेंगे और हम नहीं रुकेंगे। ये सही नहीं है। मैं भी परीक्षण और मिशन पर जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, क्योंकि वो मेरा आइडिया था। कोबा, हम उन्हें दिखा देंगे तुम और मैं बेबीज नहीं है। चलो। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें लगता है यहाँ सच में राक्षस है? अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोई है क्या? हेलो, कहाँ है सब? भाई, तुम कैसे हो? हम यहाँ उड़ के आए हैं। हेलो। कम ऑन, हमें बाहर निकालो। स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस, ये वैसे ही है जैसा कहा था। राक्षस के लिए बहुत छोटे लगते हैं। हे, तुमने राक्षस किसे कहा? हमें? मुझे लगता है ये अभी भी बच्चे हैं। हे, हमें जाने यहाँ से। हे, वो गायब हो गया। वो अंडा गायब हो गया। क्या तुमने हमारा एक अंडा चुराया? हमने किसी के अंडे नहीं चुराए। उन्होंने ही छुपाया है। जल्दी से बताओ, कहाँ है वो? तुम इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे जब तक बताओगे नहीं कि हमारा अंडा कहाँ है। राक्षस कहीं के? हमने किसी के भी अंडे नहीं चुराए हैं। कुबा, हमें किसी तरह वो अंडा ढूंढना होगा, पर कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वाह, मैं उसे जानता हूँ। वो बेवकूफ फेलिन है, हमारी जंगल से। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? चलो उसके पीछे चलते हैं। या, उनके अंडे चुराना क्या बढ़िया तरकीब है भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत होशियार हूँ। अभी स्पॉट और स्ट्राइप अपन को अकेला छोड़ देंगे। वो कोई आम चूहा लगता है जो चाहता है कि मुझे उनकी छुपने वाली जगह पता ना चले। अच्छा, तो जैसा तुम कहो, तो फिर उड़ते हैं। खजाना राह देख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे सब समझ में आ गया। तुम इन्हें यही रखना, मैं चोंच वालों को अपने साथ लाता हूँ। रुको, वहाँ कौन है? ये तो कुबा है,
चलो ये अकेला है। हम तेरे को पकड़ लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ पकड़। भाई अपन लोगों को सुअर किस लिए चाहिए? तुमने सही कहा। विलेन चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलो। हम पहले से ही भारी हैं, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो क्यूबा। ए जाना इधर से। देखो वहाँ है तुम्हारा अंडा। हाँ, उन धोखेबाजों को पकड़ो। तुम टिकट नहीं झेल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर मार्टिक और नीडर कूबा, तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर दो, तुम्हारे दुश्मनों ने हमें धोखा दिया है। मार्टिन्स ऐसा ही करते हैं, पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है? सब कुछ कितना अजीब है और बहुत अलग, और तुम सब दिलचस्प हो। या, हम जहाँ से आते हैं वहाँ सिर्फ पक्षियों की ऐसी चोच होती हमें है। हमें भी तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ है, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक पुराने दिग्गज हैं, बहुत बहुत समय पहले जमीन चारों ओर से समंदर से घिरी हुई थी। पुरानी धरती पर सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे, कई तुम्हारे जैसे और कुछ हमारे जैसे। फिर भी वो सब साथ रहते थे, उनके बीच कभी कुछ नहीं आता था। पर फिर तबाही आई और धरती दो हिस्सों में बट गई। धरती के कुछ टुकड़े समंदर पर अलग तैरने लगे, तुम उत्तर की तरफ तैरने लगे और बन गए यूरेशिया, जबकि हम प्लैटिपस इस धरती के टुकड़े पर रह गए, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है? पर ये नेवले क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? विलेन उड़ते रहो, खजाना नजदीक है। उड़ते रहो। शानदार पेंगो। चलो दोस्तों लंच का टाइम हो गया है। ओ, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब क्या करें, हमारा खाना तो गिर गया। पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। कोई बात नहीं, हम लैंड करने वाले हैं, हमें वैसे भी कुछ और सामान की जरूरत पड़ेगी। यार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत आऊंगी, मैं बास्केट ढूंढने जा रही हूँ। हे, अरे जाओ यहाँ से। ये बाइटस है, ये बाइटस है। चलो इनसे लड़ते हैं। जल्दी करना होगा। ये सब तो ऊपर आ रहे हैं। ज्यादा नजदीक मत आने दो, बी केयरफुल। हटो यहाँ से। अब ये लो, मॉन्स्टर कहीं के। हम उड़ क्यों नहीं सकते? वाइटस ने विंग्स को नुकसान पहुंचा दिया है। डटे रहो, मैं मदद लेकर आती हूँ।
वेल, मेरे दोस्तों को मदद चाहिए। बाइटर्स है वहाँ। अगर उन्हें कोई चाहिए जो पीछा कर सके तो मैं तुम्हारा चीता हूँ। पीछा और रेस? बाइटर्स की फौज ने हमारी शिप पर हमला कर दिया है। बाइटर्स की फौज ने? क्या उनके 6 पैर हैं और लकड़ियों को चबाते हैं? ओ, फिर तो वो टर्माइट्स होंगे। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसकी चमड़ी मेरे से काफी मोटी हो। टंडा! यार कैसे हो? तुम्हें मेरा ये छोटा सा घर कैसा लगा यारा? ये मुझे दलदल में दिखा। टंडा, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कम ऑन, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। पर हम कहाँ जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं? हम अभी गेम नहीं खेल रहे हैं टंडा, हमें टर्माइट्स को भगाना है। क्या टर्माइट्स? वो मेरे शरीर के छोटे छोटे हजार टुकड़े कर देंगे। पर तुम्हारी चमड़ी तो सबसे ज्यादा मोटी है। सिर्फ चमड़ी से कुछ नहीं होगा, हमें उससे भी कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। बैंगो द मैग्निफिशेंट। बहुत पहले की बात है, हजारों की तादाद में टर्माइट्स ने अफ्रीका पर हमला कर दिया था और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। वो बहुत मुश्किल की घड़ी थी। तब अचानक से एक योद्धा आया, उसका नाम था बैंगो। उसका कवच बहुत सख्त था और रोशनी में चमकता था, और उसके अंदर हिम्मत की भी कमी नहीं थी। बैंगो बिना डरे टर्माइट से लड़ता रहा, वो भी 3 दिन और 3 रात तक। दुश्मन कवच से टकराते हैं और वो मर जाते हैं। उनके अंदर डर फैल जाता है और फिर हमारा हीरो बैंगो कहलाता है बैंगो द मैग्निफिशेंट। उस लड़ाई में उसकी बहादुरी और हिम्मत को देखते हुए वो तुम्हारी मदद कर सकता है। बैंगो द मैग्निफिसेंट? और मुझे ये बैंगो कहाँ मिलेगा? वहाँ, उस बड़े पेड़ के पास। बैंगो! बैंगो द मैग्निफिसेंट, क्या तुम यही हो? एक्सक्यूज मी, आपने बैंगो द मैग्निफिसेंट को देखा है? वहाँ पे कुछ टर्माइट्स हैं जो अटैक कर रहे हैं। टर्माइट्स? हाँ, देखा तो है। हाँ, शायद वो नदी की ओर जा रहा था। नहीं, नदी की ओर ही जा रहा था। वहाँ जाइए। कवच जैसे लेजेंड में था। शायद तुम ही बैंगो हो। मैं? कम ऑन, क्या बकवास है। पर ये तो देखो, स्ट्रॉन्ग कवच है और चमकती ढाल, वो तुम ही हो। रुको, प्लीज वापस आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में हैं। टर्माइट्स ने उन्हें घेर लिया है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा काम है। क्या काम है? तुम तो छेद में बैठे हुए हो। वो मैं मैं बहुत बीमार हूँ। क्या मतलब है बीमार हो? अभी तो तुम ठीक ठाक थे। पर अब मैं नहीं हूँ। मैं देखो यहाँ पर फंस चुका हूँ, पर अब मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अपना ध्यान रखना। Well, तुम वही बैंगो द मैग्निफिसेंट हो लेजेंड में से। वो तो बहादुरों का बहादुर था, पर तुम तो डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुमने देखा, मैंने अपनी ढाल खो दी है, पर अगर मेरी ढाल मुझे मिल जाए तो मैं फिर से हीरो बन सकता हूँ। कम से कम तलवार तो मुझे चाहिए, या फिर उसके जैसा कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे चाहिए होगा, और वो मेरे कवच के साथ मैच करता हो। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आती हूँ। चांदिया, क्या तुम्हारा शेल मिल सकता है? तुम्हें मेरा शेल चाहिए? पर क्यों? हमारे दोस्तों को बचाने के लिए। अगर दोस्तों के लिए है तो ठीक है, ले जाओ। ये तो बहुत गंदा है, मिट्टी से भरा हुआ है। ये तो कवच का ही शेल है। Thank you so much, Tanda.
तुम्हारा है? हाँ मेरा है। शायद नहीं। देखो अच्छे से फिट होता है। अब तुम बिल्कुल तैयार हो, चलो जल्दी से चलना है। कहाँ? मतलब क्यों? मेरे दोस्त को बचाने, ताकि तुम हीरो बन सको। तो चलो फिर, पेंगो द मैग्निफिसेंट आ रहा है। तुम्हारा हीरो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये लो। लियो, हम ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक सकते। पर हमें शिप को बचाना होगा, नहीं तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। मैं आ गई और मैं मदद लेकर आई हूँ। तुम्हारी बारी पेंगो। मैं? मैं नहीं लड़ सकता। प्लीज मेरे दोस्तों की मदद करो। मैं अपनी ढाल के बिना बहुत कमजोर हूँ। अगर पुरानी ढाल मेरे पास होती तो मैं तुम्हारा हीरो बन सकता था। रुको, तुमने कवच नहीं पहना है। वाह क्या लड़की है। रुको मैं आ रहा हूँ। ये लो तुम्हारा काम तमाम। एकदम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वापस जा रहे हैं। अरे अरे क्या हो रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था। पेंगो, तुम हीरो हो। पहली बार मैं बिना ढाल के लड़ा हूँ। याद रखो, कवच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आत्मविश्वास। तो थैंक यू पेंगो द मैग्निफिसेंट। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू, और मेरी ताकत के बारे में याद दिलाने के लिए। अब मैं फिर से पुराना पेंगो हूँ। वैसे तुम भी बहुत अच्छा लड़ी। अब मैं तुम्हें कहूँगा यारा द फियरलेस फेलिन। तो अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। मार्टी, जाने का वक्त हो क्या है? हाँ बिल्कुल कैप्टन। हे गाइस, मुझे एक रस्सी मिली है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जेक, तुमने तो मेरी पूंछ बांध दी है। ये मेरी गलती नहीं है। तुम केयरफुल रहो कि तुम्हारी पूंछ कहाँ कहाँ जा रही है। फिलिन, हेलो। हे गुगली आंखों वाले, कहाँ हो तुम? फिलिन, पर वो गया कहाँ? एक मुलाकात टैस्मेनियन के साथ। आप सर मेरे टेरिटरी का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ भी अपमान नहीं सहा है सर। आपने मेरे टेरिटरी का उल्लंघन किया है तो अब मुझे लगता है कि बस ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है। हाँ, लंग युद्ध के साथ। चूहे, ओह कितना आकर्षक है, क्या मजेदार सुगंध है। ओह कितना अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल क्वांडोंग की तरह, पर ये थोड़ा सा अलग है। जरा ये तो देखो, मैंने एक नई सुगंध ढूंढी है। ओह अच्छा, हाँ ये तो खुशबूदार फाइकस है। ठीक है जल्दी करो, पैक करो, कंजूस मत बनो। कोई मुझे बचाओ प्लीज। कोई मदद करो। चूहे
चूहे चूहे चूहे क्या हुआ ये सूरज कहाँ गया? कैसी अजीब चिड़िया है, मैं नहीं ले सकता। कौन है वहाँ? मुझे निकलने दो यहाँ से। भूल जाओ, मुझे कभी कुछ अच्छा करने को नहीं मिला। कमजोर जवान बूढ़ों का शिकार करता हूँ, बुरे काम में वक्त देना मेरा शौक है। अंधेरे में आता हूँ होशियार, भाग जाओ वरना तुम चिल्लाओगे। मेरे पास तेज दांत है, मैं गुस्से वाला हूँ। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम ताकतवर हो। मुझे बच्चों को डराना पसंद है, उन्हें रोते देखना भी पसंद है। तुम दुनिया सागर पे ढूंढ लो, मुझसे ज्यादा शैता कोई मिलेगा नहीं। मेरे पास तेज दांत है, मैं गुस्से वाला हूँ। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम ताकतवर हो, वाकई ताकतवर हो। म्याऊ। फेलिन, कहाँ हो तुम? फेलिन, हाय, वो गया कहाँ? जरूर वो कुछ खाने के लिए उड़ गया होगा। फेलिन, हेलो। अगर हमने स्पॉट्स और स्ट्राइप्स को जाने दिया तो इसका कोई चांस नहीं कि हम खजाने तक पहुंच पाएंगे। क्या किसी ने अभी खजाना बोला? मुझे लगा शायद तुमने बोला होगा, पर तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। जो कुछ भी टेस्टमैन के जंगल में होता है टेस्टमैन की जिम्मेदारी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारे जंगल से? ये अच्छा मजाक था। अगर तुम यहाँ खजाना ढूंढ रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो, उसका एक टुकड़ा ले आओ। मुझे सब पता है यहाँ क्या होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें पता ही होगा वो खजाना हमारा है। आहा, पर क्या खजाना अभी भी वहाँ है? हो सकता है, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते चीजें सही तरीके से चलें, तो हम लोग मेरे तरीके से करेंगे। इसलिए जल्दी से मुझे खजाने के बारे में बताओ और उसको कहाँ ढूंढना है। मिल गई, भागो। भागो। लगता है वो पीछे छूट गया। आप उनको भी लगता है वो खो गया? बहुत ही अपमानजनक है। हाँ, द्वंद युद्ध को तोड़ने से बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तुम बेवकूफ लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। हमें ये द्वंद युद्ध जारी रखना है, पर पहले इन सब बदतमीज लोगों से निपटना होगा। माय डियर सर, शायद आप सही हैं, पर हम लोग को इसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए। या इससे कुछ मिलता जुलता? हमें उन्हें सिखाना चाहिए एक बहुत जरूरी लेसन। तैयार हो जाओ। माइक, कुछ करवाए। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें मिल के दूंगा। ये शांत है और अच्छा भी। क्या? सच में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यहाँ खड़े मत रहो, चलो यहाँ से। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एक ही दिन में जिंदगी में दो बार गिरा हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे, हमें इस अपमानजनक एपिसोड के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, तो तुम क्या कहते हो? हैं? तुमने देखा वो? तुमने देखा मैं कितना महान हूँ? मेरे बिना तुम ये कर भी नहीं पाते। अब तुम दोनों को ये सच में करना होगा, उस खजाने का हिस्सा ले आओ। स्पाइक, चल कर देते हैं भाई। अपन का दोस्त ये बहुत मजबूत और चुस्त है, और ये अपन लोगों को बचा भी सकता है क्या? ओहो, फिर उसके बाद क्या तुम चाहते हो कि उसके लिए हम अपना खजाना ले आए? घबराओ मत भाइयों, हम उसे आपस में बांट लेंगे।
हाँ ठीक है, पर मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें लगता है तो सही ही होगा। स्पाई क्या बोल रहा है भाई? वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उस पागल चिड़िया को कहाँ ढूंढोगे, तुम्हारा दोस्त। ये एक डील है। बहुत अच्छे, अब मुझे इस खजाने के बारे में बताओ। ठीक है, हम तुम्हें दिखाएंगे। अपन तेरे को दिखाएंगे। लियो, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें इतना सारा खाना क्यों चाहिए? अगर हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाले हैं टेग, हम नहीं जानते हमें ओशन के ऊपर कितने समय के लिए उड़ना पड़ेगा। ठीक है लियो, तुमने सही कहा, हमें जल्दी करना होगा, बंदरों का खजाना शायद खतरे में है। कूबा, हे कूबा, तुमने देखा, अब तो समझ आया। यानी हम उनका पीछा करेंगे और खजाने को पकड़ लेंगे, हम लोग उनकी नाक के नीचे से खजाना छीन लेंगे। पर हमारा उड़ने वाला जहाज कहाँ है? वो तुम बताओ, तुमने कहा था तुम जानते हो फिलिन कहाँ है। एक, दो, और खींचो। सावधान रहो, मेरे पंख के साथ आराम से। अच्छे से खींचो, अच्छे से खींचो, इस बार अच्छा काम करो। आओ हमारी मदद करो, वहाँ सिर्फ खड़े मत रहो, आओ हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, रिदम बनाए रखो। एक, दो, और खींचो। ए, तुम रुक क्यों गए, करते रहो काम पर, वापस जाओ। लिली, मैं सोच रहा था क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम मुझे अपना फर्स्ट मेट बनाओगी। लिली, तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। तुम टेग, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, शायद डरता हूँ, पर मैं केयरफुल रहूँगा। और वैसे भी लियो, ये मत भूलो तुम ही हो जो हमेशा गिरते रहते हो, जब देखो तब। मैं ज्यादा मजेदार हूँ, अगर किसी को यहाँ फर्स्ट मेट बनना चाहिए तो वो हूँ मैं। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट मेट हूँ। सही कहा। तुम्हें पता है, जब मुझे घर की याद आती है मैं इनकी तरफ देख लेती हूँ, ये कभी नहीं बदलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि स्पाइक और उसका भाई अभी कहाँ है। हाँ। हम उस नाव का पीछा करो चिड़िया। रुको रुको रुको, तुम क्या सोचकर ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, ओह हाँ, मैं भूल गया, अब से मैं ही इंचार्ज हूँ, और जिसको पसंद नहीं है वो जा सकता है और कूद सकता है। अलविदा ऑस्ट्रेलिया।